नमस्कार न्यूज 18 ओडियार स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम माय डॉक्टर को आपनको स्वागत करूछि मु बंदिता गंठी एवं हाड़बिंधा जनित समस्या एबे आ वयस नै कि सीमित नाही जेती कि वयस्क हैरान हेउछंती सेती कि युवा पीढ़ी किंबा महिला भी आंठुगंठी जनित समस्या रो सर्जरी द्वारा समाधान केते सुरक्षित एवं केते संभव आधुनिक उपाय द्वारा किपरि ऑर्थोपेडिक सर्जरी करा जाउछि ता छोड़ा आंठु प्रतिरोपण अपेक्षा आंठुगंठी संरक्षित करि रखिबा दिगरे किपरि से नै कि ध्यान रखा जाय से नै करबा आज माय डॉक्टर रे आलोचना जेतेबेले आमे रोग कथा कहुचे रोग पूर्वर वयस भितरे सीमित थिला आंठुगंठी जनित समस्या वयस्क लोक माने ही ए रोग रे अधिक आक्रांत होथिबे बोली कहा जाउथिला किंतु वर्तमान छोट पिलांक ठारे भी आंठुगंठी जनित समस्या देखिबा को मिलुचे एवं सेमाने मध्ये एथिरे शिकार हेउछंती ए जंत्रणा रे पीड़ित हेउछंती सेमाने किंतु वयस नेकी वर्तमान जेहेतु तार किछि संपर्क नाही यार समाधान केते दूर संभव हे पारुचि सर्जरी द्वारा जो कनसेप्ट पूर्वर अच्छी कि मेडिसिन द्वारा संभव हो न था आंठूगंठी जंत्रणार उपशम मिल न था सर्जरी द्वारा ही यार निराकरण संभव जदि सर्जरी कराऊँ परवर्ती समय रे क्यों क्यों दिग प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही जदि नी रिप्लेसमेंट करी रिप्लेसमेंट करने पूर्व कौ कौ दिग प्रति देखार अच्छी नी रिप्लेसमेंट पर केमी कौन निजर जत्न ने बेसिकाली फोकस कर एडवांस सर्जरी प्रोसेस रे नी प्रिजर्वेशन उपर बेसी फोकस करा जाउछि रिप्लेसमेंट अपेक्षा जदि नी प्रिजर्वेशन हो पारुछि आंठुर संरक्षण हो पारुछि कि आंठुगंठर संरक्षण हो पारुछि ता उपर विशेष भाव में ध्यान दिया जाउछि जो माने ऑर्थोपेडिक सर्जन अछन्ति से माने विशेष भाव में ध्यान देउछन्ति एने के अधिक टिका आलोचना करबा अपोलो हॉस्पिटल रो ऑर्थोपेडिक सर्जन सीनियर कंसल्टेंट अछन्ति डॉक्टर संदीप बिस्वाल आम सहित अधिक आलोचना पई डॉक्टर बिस्वाल आपन को स्वागत करछु नोसट नोडिया को टिके जानिबा को चाहिबो आपन कोठु जे आंठुगंठी जनित समस्या नेकि आमे आज आलोचना करूछे किंबा जो नी रिप्लेसमेंट उपरे आमे आज आलोचना करबा को जाउछे प्रथमे जानिबो कि आंठुगंठी जनित समस्या कोन पई देखा दैथाय आंठुगंठी जनित समस्या गोटे बहुत कॉमन समस्या जोटा कि बहुत मात्रा रे आपन देखि परे प्राय घरे घरे लोक माने एते प्रभावित होउछंती ता माने बेसिकली जॉइंट रो लाळ अंश बा कार्टिलेज टा जेतेले क्षय हो जाय तेबे हाड़ को हाड़ घसी हुए फल इनफ्लामेशन बढ़े एवं ताद्वारा पेन स्वेलिंग डिफर्मिटी सृष्टि हुए से आमें आर्थराइटिस आंठूगंठी बात कही था तेणु यार बहुत गुड़े कारण अच्छी जपरी जेनेटिक्स जेनेटिकली किसी लोक जल्दी हो पाए किसी लोक इनफेक्शन हो कि लोक रिमाटॉइड आर्थराइटिस इनफ्लामेटरी आर्थराइटिस इनफेक्शन बहुत इंजुरी बहुत प्रकार कारण अच्छी तेणु जितेबाला गोटे जॉइंट पूर्ण भाव में डैमेज हो जाए कौन उपाय आम मेडिसिनल ट्रीटमेंट फिजिओथेरेपी द्वारा मैनेजमेंट न करते आम सर्जरी आड़ को गति करता आज्ञा ताहले क्यों माने रिस्क जोन अच्छा जदि कह कौन सेमती बयस स्पेसिफिक तो ना तो रिस्क जोन में क्यों माने अच्छा समस्या नहीं रिस्क जोन रे जो माने अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मेदबहुलता ओबेसिटी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लैक ऑफ एक्सरसाइजेस जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन माने जहाँ फैमिली हिस्ट्री अच्छी जी ऑलरेडी ऑलरेडी बातर प्रॉब्लम अच्छी रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो कि जो मैंने आंठुरे बारंबार आंठूगंठे इंजुरी होान दौना यही लोक मान क्षेत्र में आर्थराइटिस प्रॉब्लम जल्दी होता है मुख्यतः भाव महिला क्षेत्र में अधिक होता है आजिकल जो लाइफ स्टाइल इश्यू होता है गोटे लाइफ स्टाइल डिजीज हो गला तेणु लोक मैंने बेसी सेडेंटरी हो जाती बेस एक्टिव रोना जमी जोग प्राणायाम गुड़ा सब करना तेणु ये सब जिनसे जल्दी परिमाण में आर्थराइटिस शिकार होगा डॉक्टर बिस्वाल जदि कह सिम्टम उपर आलोचना करवा कौन कौन सिम्टम नर्माली देखा देखाए जहाँफल जन जापर कि मुझे रोग में आक्रांत होगा जाऊँगी यही रोगर मुख्य सिम्टम्स है पेन गंठी रे जंत्रणा हवा स्वेलिंग हवा एवं गंठीटा जो मूवमेंट करते पेन हम एवं रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट माने पूरा फुल मूवमेंट हम ना जितेबाला एडवांस स्टेज रे पहुँचे से डिफर्मिटी सृष्टि डिफर्मिटी माने आइदर बंका हो गोटी गोटे बंका रही लॉक हो सीधा हो पार नई सब जिन गुड़ी जो देखा जाने आम एडवांस्ड आर्थराइटिस आड़ को गति कर एवं से लक्षण देखिले आप नॉर्मली कौन कौन टेस्ट प्रेस्क्राइब करते प्रथम जो पेसेंट भिजिट करती आपको आम मुख्यतः भाव पेसेंट को तार हिस्ट्री नौ कौन के दिन है तार गोटे एग्जामिनेशन करूँ पेसेंट को देखा बहुत जरूरी प्रपर देखिले आम बहुत गुड़े इनफर्मेशन मिले तापर जदि दरकार पड़े आम मुख्यतः भाव गोटे एक्सरे करूँ किसी परिमाण में ब्लड टेस्ट करूँ बेले बेले दरकार पड़े आम एमआरआई करूँ सीटी स्कैन करूँ किंबा आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करी
आमे प्रॉपर डायग्नोसिस टी करि पारु जदि आरा टिके चिकित्सा पद्धति ऊपर आलोचना करबा आमे मेडिसिन द्वारा ए रोगर उपशम पाई परबा कि ना सर्जरी गोटे मात्र ही विकल्प रहुछ यार ना मेडिसिन द्वारा मध्य आर उपशम हेइ परबो जत्ते बेले जल्दी आमे जत्ते जल्दी तार डायग्नोसिस टे आमे करि परबा सेते जल्दी तार ट्रीटमेंट करले यार मेडिसिन द्वारा मध्य भल हो पारिबो एवं बेले बेले फिजियोथेरापी मध्य बहुत परिमाण रे लाभदायक अटे तेणु डायग्नोसिस पार्टा बहुत इम्पोर्टेंट पेशेंट मानकर अवेयरनेस जोटा कि आमे एज वी नो निराकरण सबुठ भल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो कौ कौ दिग प्रति ध्यान देले आमे आर्थराइटिस को प्रिवेंट करि परिबा फर्दर प्रोग्रेस हम ना ये सब जिनस प्रति लोक भितर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करिया बहुत जरूरी जोटा कि आज एत अवेयरनेस बहुत कम अच्छे लोक एवं बहुत परिमाण रे आर्थराइटिस मेडिसिनल ट्रीटमेंट द्वारा क्यूरेबल थाए सिंपल मेडिसिंस एक्सरसाइजेस लाइफस्टाइल चेंजेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्टिविटी मॉडिफिकेशन माने कौन करिया उचित कौन करिया उचित नो को भली भाबे एक्सरसाइज करिया उचित कौन योग प्राणायाम करिया उचित ए सब दिग प्रति लोकंकु बहुत परिमाण रे सचेतन करिवाटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस एवं सेतरे डाक्टर मानकर एवं मीडिया रे मध्ये बहुत भूमिका अछि तेणु बहुत परिमाण लोक जो नेग्लेक्ट करती बहुत आडभांस स्टेज में पहुंची जाए तो डिफर्मिटी क्रिएट हुए कि लोक चली पारे छोटे छोटे चलती बहुत पेन हुए हाउस बाउंड हो जाती मैंने बेस बाहर को जीवन इच्छा प्रकाश करते यही सब जिनस एक्सरे जो बहुत आडभांस स्टेज में आर्थराइटिस थाए तेणु आम से जिन जगह अस्त्रोपचार मध्यम चिकित्सा करूँ और आजिकल यो चिकित्सा पद्धति गुड़ा बहुत परिमाण में धीरे 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 डेभलप हो गए बहुत भल पोजिशन को आसे जो कि बहुत भल परिमाण में आम शल्य चिकित्सा माध्यम ट्रीटमेंट कर अच्छा जो आडभांस प्रोसेस क्या कहते केमी कौन अत्याधुनिक उपाय ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते दर्शक बुझेबे कि हाँ मैंने बेसिकली बहुत गुड़े प्रकार ऑर्थोपेडिक सर्जरी अच्छी जहाद्वारा कि आम आर्थराइटिस ट्रीटमेंट करपरी अल्प मनकर आर्थराइटिस अच्छी किसी लिगामेंट बा कार्टिलेज इश्यू अच्छी आम बहुत समय आर्थ्रोस्कोपी ट्रीटमेंट करता आर्थ्रोस्कोपी माने बेसिकली गोटे कैमेरा भर्ती करी ता मध्यरे सर्जरी करी जॉइंट टाकू क्लीन अप करा जाए बा स्टिचिंग करा जाए बा लिगामेंट रो रिकन्स्ट्रक्शन करा जाए जत्ते बेले एडवांस स्टेज रे आर्थराइटिस रुए सेते बेले आमे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करू बा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करू हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रे आमे बेसिकली जति की पार्ट रे जॉइंट टाक डैमेज होइथाय से जॉइंट डैमेज पार्ट उडी को मशीन द्वारा वेरियस परिमाण रे सब जिग्स मशीन्स कंप्यूटर नेविगेशन यूज करी ताको सफा करू एवं गोटे स्प्रेस क्रिएट करा जाए ता मध्ये गोटे इम्प्लांटेशन करा जाए बहुत अत्याधुनिक इम्प्लांट इम्प्लांट करा जाए ता फळरे जॉइंट पुनर्वार भाव संपूर्ण रूपे कार्यक्षम हो पारे एवं जने लोक पुनी सुस्थ जीवन जापन अतिवाहित करि पारे कनि पारे निहाती जेते बेले आपण नी रिप्लेसमेंट कथा कहू छंती नी रिप्लेसमेंट केते बेले एवं कहा को आवश्यकता होई थाय ना समस्त क्षेत्र रे करे जाई परिबो नी रिप्लेसमेंट मुख्यतः भावे आवश्यक होता है 50 इयर्स और एवब जो मानकर एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस अच्छी जो माने जो बिल्कुल चली पार ना छोटे छोटे चलुंस हाउस बाउंड हो गले न चलिया फल बोन ऑस्टियोपोरोसिस शिकार है बेले बेले आर्थराइटिस जो गोड़ बेंड हो फ्रैक्चर हो जाए यह सब केस नी रिप्लेसमेंट एडवाइस कर एवं नी रिप्लेसमेंट आजिकल गोटे बहुत सक्सेसफुल एंड वेरी पॉपुलर सर्जरी हो गला आजिकल लोक मैंने मोर और मोर ताक आदर होते भल सर्जरी होइक रिकवरी हो पार लोक सेकेंड डे ठू चलाबुला कर दुई तीन दिन में डिस्चार्ज हो पार तेणु ऑब्वियसली आर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत परिमाण में इम्प्रूव कर सर्जरी द्वारा आम गोटे लोक को सेकेंड लाइफ दे पारछु आज्ञा डॉक्टर विश्वाल आप तो नॉर्मली माने ओवरऑल कहते केमी कौन कह ट्रीटमेंट करा जाउछि किंबा एज ग्रुप रे कौन केमती डिफरेंशिएट करा जाए कौन केमती ट्रीटमेंट प्रोसेस आगे जाए कि देखा स्पोर्ट्स पर्सन माने जिते बेले इंजुरी फेस करती नी रिलेटेड कौन इंजुरी फेस करती कौन सब एडवाइस दि जाए था सर्जरी नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन मान डिमांड अलग से यूजुअली इंजुरी हुए लिगामेंट इंजुरी किंबा डिसलोकेशन कैप्सुलर इंजुरी बा मेनिस्कस इंजुरी ये सब जिन गुड़ा इंजुरी होता है तेणु से केस्रे अलग प्रकार सर्जरी कराए
ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଆଣ୍ଠୁଟି ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ କାମ କରିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିର ଲୋଡ଼ ନେବାର କ୍ୟାପାସିଟି କମିଯାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଟି ବାରମ୍ବାର ସବ୍ଲକ୍ସେସନ୍ ବା ଖସିଯାଏ ଏବଂ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହିପରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ହୁଏ ବୋଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କାଟିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଆଥଲେଟ୍ସ, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ତାର ମାନେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଏ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସର୍ଜରୀ ନେଇକି ଆପଣ ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ସେମାନେ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କନସିଡର କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏଜ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକକୁ ନର୍ମାଲ୍କୁ ଆଣିବୁ, କିପରି ଭାବେ ଆମେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବୁ। ସୋ ବେସିକାଲି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଭାବେ ପୁଣି ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ହଉ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହଉ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଏବଂ ଏବେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଯେତେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋପଣ କଥା କହୁଛେ, ସବୁବେଳେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କହିଲେ 50ରୁ ଉପରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଥାଏ କି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଯେମିତି ବସୁଥିଲି ଉଠୁଥିଲି ସେସବୁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ଥରେ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେବି। ଆଉ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ, ନି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ହଁ, ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସର୍ଜରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 1960ରୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇ 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 ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇପାରୁଛି, ଇଭେନ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚକା ମାରିକି ବସିପାରୁଛନ୍ତି, କରି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ୍ୱିକ୍ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ, ଲାଇକ୍ ମିନିମାଲି ଇନଭେଜିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଭିଗେସନ୍ ହଉ, ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହଉ, ଏଇସବୁ ଯୁଗ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାରେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭେରି କ୍ୱିକ୍ ଆଉ ଭେରି ରିଫାଇଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 99% କେସେସ୍ରେ ୱି ଗେଟ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ମାନେ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିନିମାଲି ଇନଭେଜିଭ୍ ସର୍ଜରୀ, ନାଭିଗେସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଭିଗେସନ୍, ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ହେଉଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଆଜି ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲେ କାଲି ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ୱାକର୍ ଧରି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରିଭଲ୍ୟୁସନାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଛି, ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆଜିକାଲି କେବଳ ଯଦି ହାଫ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନି ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ ହାଫ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ନି ବଦଳରେ ହାଫ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏବଂ ଜଲ୍ଦି କ୍ୱିକର୍ ରିକଭରି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରାଯାଇପାରୁଛି। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଡିଫର୍ମିଟି କରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହେଇ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଗୋଡ଼ର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ୍ କରେ ୱେଟ୍ ବିୟରିଂ ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଜଏଣ୍ଟଟି ନର୍ମାଲ୍ ଭାବେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ, ଯେପରି ଆଗରୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଅପ୍ସନ୍ ଫର୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକାଲାଇଜ୍ ମାନେ କେବଳ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପି ହେଉଛି, ୱି ଆର୍ କନ୍ସିଡରିଂ ମୋର୍ ଅନ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥେରାପି ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, କିପରି ନା କାର୍ଟିଲେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିହେଉଛି, ଆମେ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୋ କରିପାରୁଛୁ, ଗ୍ରୋ କଲାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୋଜାଇକ୍ ଥେରା ମୋଜାଇକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟି ହଉ, ଓଟ୍ସ ହଉ, ଅଷ୍ଟିଓକଣ୍ଡ୍ରାଲ, ଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରି ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ଯେମିତି ବୋନ୍ ଡେଡ୍ ବୋନ୍ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଡେଡ୍ ବୋନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଡେଡ୍ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଫଳରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜରୀକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଟିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା,
डॉक्टर मिश्रा ऑर्थोपेडिक इश्यू जेती गुड़ी आपण कहिले जॉइंट पेन हो किंबा हिप इश्यूज हो ये सब कोन वंशगत किछि परिमाण रे वंशगत आमे कहिबू मल्टी फैक्टोरियल माने मल्टीपल फैक्टर्स प्ले ए रोल तेणु किसी परिमाण में जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन अच्छी कि जेनेटिकली जॉइंट कार्टिलेज डैमेजा जल्दी हो पाए प्री मैच्योर हो पाए तेणु जो मानी 70 वर्ष जहाँ हवा कथा 40-50 वर्ष हो पाए बहुत परिमाण में एनवायरमेंटल लाइक बैड हैबिट्स ओबेसिटी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मेदबहुलता यही सब जिन लैक ऑफ एक्सरसाइजेस एंड बैड लाइक अनहेल्दी फूड एंड इंजुरी इंजुरी इज ए बहुत इंपोर्टेंट पार्ट बहुत समय आम इंजुरी को अणदेखा करें इंजुरी हेले लिगामेंट इंजुरी हेले कार्टिलेज डैमेज जल त्वरान्वित होता है बहुत समय लो ग्रेड आर्थराइटिस देखिए जमी महिला मान क्षेत्र में रिमाटॉइड आर्थराइटिस बहुत कमन बेले बेले देखिए गाउट ना शुणिथे यूरिक एसिड बढ़ी जाए खाद्य पदार्थ बहुत प्रोटीन इनटेक कले गाउट हो इंजुरी हो पाए बेले बेले इनफेक्शन है छोट छुआ केस बड़ मान केस टीबी इनफेक्शन हो कि अलग इनफेक्शन अफ द जॉइंट है तेज जॉइंट बहुत जल्दी आर्थराइटिस हो जाए यही सब दिग प्रति आम जब सचेतन रहा एवं तार प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा आम बहुत परिमाण में जॉइंट को संरक्षण करें प्रिजर्व कर रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर इवन दो रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल एंड बहुत क्विकर रिकवरी स्टिल प्रिजर्वेशन इज ऑलवेज बेटर देन रिप्लेसमेंट तथापि जितेबाले नी रिप्लेसमेंट पूर्व एडवाइस करी क्राइटेरिया जन मीट कर नी रिप्लेसमेंट को प्रिजर्वेशन क्षेत्र में भी निर्दिष्ट भाव किसी क्राइटेरिया अच्छी कि हाँ निश्चित क्राइटेरिया अच्छी जहाँ जोटा कि आम साइंटिफिकली डिसाइड करू कि यही क्राइटेरिया रहिले आमे ये जॉइंट को प्रिजर्व करिवार प्रोबेबिलिटी अधिक पॉसिबिलिटी अधिक जमी गोटे यंग यंग पर्सन तार गोटे गोटे निर्दिष्ट एरिया रे कार्टिलेज क्षय होई बाकी जॉइंट ठीक अछि अल्प किछि डिफर्मिटी अछि बा लिगामेंटस इंजुरी बा कार्टिलेज इंजुरी तेणु से ही जगह आम कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन तेणु अलग जगार कार्टिलेज नहीं सही ट्रांसप्लांट करूँ इम्प्लांटेशन करूँ ताद्वारा पुनी पुनर्भाव में नर्माल हो जाए और फर्दर प्रोग्रेसन डिजिजा जो हाँ सब प्रिभेन्ट हो जाए जमी बेले बेले किसी लोक देखिए आपन को बो लेग धनु भाया गोड़ हो जाए फल कौन हुए आलाइनमेंट प्रॉब्लम हुए एंड आलाइनमेंट प्रॉब्लम जो गोटे पटे लोड जाए और से पटटे कार्टिलेज क्षय जाए तेणु जदि आम से आलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी करें अल्सो आमे बेसिकली लॉन्ग रन रे रिप्लेसमेंट को अवॉइड करि पाउचे बहुत परिमाण रे जेमदि हम कहिलु गोटे एरिया रो जदि बोन डेड होउछ मानकर ब्लड सप्लाई किछि परिमाण रे ब्लॉक हे कि सेय एरिया बोन डेड होउछ आमे सेय तरे कोन ने आर्थ्रोस्कोपिक द्वारा सेय एरिया को जति कि डेड बोन डी सफा करी आमे सेय जागा रे स्टेम सेल ट्रीटमेंट मध्ये करि पाउछ अलग जागा रो बोन नै ताकु आर्टिफिशियली ताकु ग्रो करै फुनी स्टेम सेल को सेठी इम्प्लांट करि पाउछ ता फल रे मध्ये सेटा आमे जॉइंट को प्रिजर्व करि पारछु बहुत परिमाण रे बेले बेले जॉइंट रे कौन हुए ना लॉकिंग हे कि तारो केतोटी कार्टिलेज बा लेब्रम ए सब जिनसे मध्ये इंजुरी था जोडा कि आमे सेही जिनसे उडी को माने क्लियर करले मध्ये आमे जॉइंट रो फर्दर माने डैमेज प्रिवेंट करथ ए गुडी को हला बेसिकली प्रिजर्वेशन सर्जरी तेणु आर बहुत गोटे अच्छे जो थे कि मानते जो सब क्राइटेरिया रही सक्सेसफुल हो पारे से जिनस जे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहीपर पेसेंट को तेणु जो आपको सही प्रॉब्लम अच्छी आप निकटस्थ अस्थिचल्य विशेषज्ञ को जाए परामर्श नाटा मुझे आपको उपदेश देवी निहती डॉक्टर विश्वास जदि आप ट्रिटमेंट सरीगला नी रिप्लेसमेंट होगा कि नी प्रिजर्वेशन भी होगा सेमती कंडीशन के दिन गैप एडवाइस कर डॉक्टर को मीट करने यूजुअली एटा गोटे फॉलोअप दरकार पड़े लाइक एवरी 3-6 weeks तेणु आम यूजुअली जो सर्जरी करूँ बहुत परिमाण में किसी परिमाण एक्सरसाइज सिखाऊ ट्रेनिंग देवा पड़े केमती कौ परिमाण के लोड बियर करेंगे करेंगे हाँ बहुत कंडीशनस तेनाली से ही द्वारा आम तक प्रिजर्व मानते कम परिमाण में लोड मत दौ और हिलिंग हबार चान्स दौ तेणु गोटे प्रोसेसटा गोटे जिनस हिल हाँ अराउंड 4-6 weeks लगी था तेणु से ही प्रोसेस आमे मोबिलाइज चला चलाप्रचल करू कराऊ किंतु जेपरी भाव कम लोड पड़ो सेटा विषय ध्यान अच्छा जो 4-6 weeks ता भितरे से माने बहुत अधिका कंसर्न हेबार आवश्यकता अछि बोधे बसिबा उठिबा किंबा निजर डेली एक्टिविटीज करबा पूर्व ना एपरी बहुत बेसी कंसर्न नुह मुझे कहली आगो भाया ना जे पेसेंट बेड रेस्ट बा बेड रिडन होकर रे आजिकल ऑर्थोपेडिक चिकित्सा प्रणाली एत परिमाण रे रिफाइंड हो गला एत परिमाण रे सक्सेसफुली करा पार्टी जो कि लोक बहुत जल्दी आम चल पार्छे बहुत जल्दी पुणी नर्मालाइज करेणु नर्मालसी को आनी पार्छे और ताद्वारा से
वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द हीलिंग एंड द मोबिलिटी तेणु मोबाइल हिलिंग प्रोसेस त्वरान्वित जदि डॉक्टर विशाल अन्य किसी गुरुतर रोग पेशेंट पीड़ित अच्छी आपंकर हाई बीपी हो कि डायबिटीज हो कि ओबेसिटी आपत कहले कि हार्ट इश्यूज ए सब इश्यूज सह जितेबाला तांकु ए नी रिप्लेसमेंट कि नी प्रिजर्वेशन आपन एडवाइस करूछंती किछ असुविधा होछि कि सेगुड़ी को निश्चित भाव किसी परिमाण में एफेक्ट कर सर्जिकल प्रोसेस को बट देन आजिकल इवेन एनास्थेसिया प्रणाली जो निश्चेतक प्रणाली बहुत परिमाण में डेवलप हो गले आजिकल आज जनरल एनास्थेसिया दि जाऊ बहुत परिमाण में लोकल एनास्थेसिया रीजनल ब्लॉक दि जाऊँगी तेणु पेशेंट कॉन्शियस एंड सब जिन रखाई केवल से ही जगह टी नम कर सर्जरी करहुच्छी जगह टी सुन करजरी करेणु एनास्थेसिया पद्धति भी एत इम्प्रूव हो गलानी बहुत परिमाण में हार्ट आधा परसेंट फंक्शन करके बीपी बढ़ की ओल्ड एज रे सपोज 80-90 वर्ष बयस लोक नी रिप्लेसमेंट करूँ हिप रिप्लेसमेंट करतायु व्यक्ति हिप रिप्लेसमेंट जितने सतायु एवं जस्ट दुई दिन तेज़ मुझे जे 100 वर्ष व्यक्ति हिप रिप्लेसमेंट करुस्थ अच्छा तेणु ये पार्टी तेणु बहुत गुड़े टेक्नोलोजी आसला जहाद्वारा कि जमी इंटेनसीव केयर हो एनास्थेसिस हो सर्जरी हो सब दिगरे नुआ 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 टेक्नोलोजी आसद्वारा जो गुड़ा आगर हम भावुले कि गुड़ा असंभव से गुड़ा मध्य आजिकल संभव हो पारु संभव हो पारु छी निहाती प्रथम जत पेशेंट आसंती आपन को पाखो को कंसल्ट तो करबा को पडु थिबो किंबा समान को टिके अधिक एडवाइस देबा को पडु थिबो लोकंकर मेंटालिटी को स्टडी भी करबा को पडु थिबो आपन को कि से कोन चाहु छंती सेही हिसाब रे आपन नेक्स्ट प्रोसेस आड़ को जाउथिबे किंतु जति ए सर्जरी रा देखिबा सर्जरी परवर्ती किछि पार्श्व प्रतिक्रिया रहि थाय कि साइड इफेक्ट रहि थाय कि ए सब रिप्लेसमेंट क्षेत्र रे सबु अस्त्रोपचार रे किछि परिमाण रे रिस्क कॉम्प्लिकेशंस थाए तेणु सेटा तो निश्चित भाव सत्य किंतु आमर एज ए डॉक्टर आम काम है कि से रिस्क आ कॉम्प्लिकेशन को केते परिमाण रे कम करि परिबो तेणु बेनिफिट आ रिस्क रेशियोटा जिते मैक्सिमम हो पार सेटा सेते भलो तेणु आम से रिस्क पार्टा को नेगेट करबा को सब प्रकार टेस्ट करि थाउ सब प्रकार प्रॉपर कार्डियक चेकअप एंड सब चेक करी कि तापरे आम रिस्क ताकु कमौ एवं आजिकल जो प्रकार ओटी सिस्टम बा अत्याधुनिक ओटी टेक्नोलॉजी हो ओटी रा स्टेरिलिटी हो हाइजेनिसिटी हो इस द्वारा इन्फेक्शन रेट मध्ये बहुत बहुत परिमाण रे कमी तेणु गोटे जोटा कि गोटे आमको आगुरु गोटे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन माना होता है बहुत बहुत परिमाण रे कमी जाइछि एवं बाकी जहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस माने अच्छी से गुड़ी करे रेट मुख्यतः भाव बहुत कमी सब टेक्नोलॉजी एवं इन्वेंशन एंड एक्सपीरियंस ये सब जिन कॉम्बिनेशन रे जो गुड़ा आगुरु भावुले कि पॉसिबल ना आजिकल पॉसिबल हो पार आज्ञा डॉक्टर विश्वाल आम देखी गाँ गहली कहतु कि कहतु जदि पेन है जमी आपल आंठूगंठी बिंधा होगा कि जंत्रणा अनुभव होगा इमीडिएट कौन मेडिसिन स्टोर को से जाती इमीडिएट कौन पेन किलर नहीं जाती पेन किलर नेबा विदाउट डॉक्टर कंसल्ट रे केते हार्मफुल हे पारे मानक क्षेत्र रे पेन किलर विदाउट डॉक्टर एडवाइस ता निश्चित भाबे गोटे रॉन्ग थिंग तेणु आपण पेन किलर सब पेन किलर रा साइड इफेक्ट अछि मेन हला जते बळे आपण लॉन्ग टर्म पेन किलर खाउचंती निश्चित भाबे किडनी उपरे चाप पके एंड बहुत परिमाण रे लोक किडनी मध्ये डैमेज हो जाय पारे तेणु जितेबले आपण कौन प्रकार आंठू गंठी जनित समस्या जो पेन होउची निश्चित भाबे डॉक्टर को परामर्श नियंतु एवं आपणकर शरीर अनुपात रे मेडिसिन नवाटा बहुत जरूरी जोटा कि जो डॉक्टर ही आपको परामर्श दे पारे तेणु ओवर द काउंटर मेडिकेशन काउंटर मेडिसिन खाइबाटा गोटे बहुत डेंजरस जिनस मो एक्सपीरियंस रे मु देखी अनेक लोकर किडनी खराब होती पेट पेटरे अल्सर हो मेडिसिन जो ये सब जिन कौली उपाय आम निराकरण कर अवेयरनेस क्रिएट कर पारा से प्रति समस्त परामर्श देवी जत्नवान हूँ निहाती सर आप मोर शेष प्रश्न खाद्यपेय नियंत्रित जीवनशैली के आवश्यकता रही है आप शेष एडवाइस कौन करेंगे जमी कही प्रिभेन्शन इज बेटर दैन क्योर सो जिते परिमाण में चिकित्सा पद्धति होमें सदा बेले प्रिभेन्शन प्रति गोटे गुरुत्व देवाटा यहाँ आमर गोटे बहुत इम्पोर्टाट कर्तव्य तेणु जमी आगु आमर शास्त्र अच्छी कि योग आसायन प्राणायाम यू जिनस बहुत रोल अच्छी पतला रहा आक्टिव रहा कते परिमाण एक्सरसाइज करवा जमी साइक्लिंग हो कि सम अमाउंट ऑफ फिजिकल स्पोर्ट्स हो यहाँ बहुत इम्पोर्टाट
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଥାଉ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟର କାର୍ଟିଲେଜ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ବଢ଼େ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ରୁହେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ ବହୁତ ନର୍ମାଲାଇଜ୍, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଳନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଉପଦେଶ ହେବ କି ଓବେସିଟିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, ସେଡେଣ୍ଟରୀ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଗ୍ଲୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉନି। ଆଉଟଡୋର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ, ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବା ଦରକାର, ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର, ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମେ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନିହାତି। ସାର୍, ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ କରାଯାଏ। ଜଣେ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳୁଛି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ହି କ୍ୟାନ୍ ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ୟାନ୍ ସେ ରନିଂ କରିପାରିବ, ଜଗିଂ କରିପାରିବ, ସୁଇମିଂ କରିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାଇକ୍ ସପୋଜ୍ ଜଣଙ୍କ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜୁଆଲି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ ବା ସୁଇମିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ। ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବିନା ଲୋଡିଂରେ ଆଣ୍ଠୁର ଆଖପାଖ ମସଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରେ। ତାମାନେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯଦି ନିୟମିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମାନେ ଜିଇଁବେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ସୁଷମ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଯେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ରୋଗ ହିସାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସେମାନେ ଜିଇଁପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ନି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ସମୟ ସରିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର କୁଏଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।